देश की राजधानी दिल्ली में आजकल एक अजब गजब समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर दिल्ली बीजेपी एमसीडी के नेता आम आदमी पार्टी पर 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साधकर 25 करोड़ के घोटाले का ब्यौरा मांग रही है। और दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर हमारे अन्नदाता धरना देकर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी बृजेश कुमार ने जनाधार पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संध्या सिंह से बात की, तो देखिए क्या कहना है उनका, सुनते हैं हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जनाधार पार्टी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संध्या सिंह। सबसे बड़ा मुद्दा अभी दिल्ली में चल रहा है, आम आदमी पार्टी 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांग रही है और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से 13,000 करोड़ मांग रहा है एमसीडी के। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बीच का क्या माहौल है ये हम जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संध्या जी से जानेंगे। संध्या जी, जिस तरीके से 2500 करोड़ का आप देख रहे होंगे कि हर जगह धरने हो रहे हैं, 2500 करोड़ केंद्र से आम आदमी पार्टी मांग रही है और 13,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से मांग रही है, किस नजरिए से आप इसको देखती है? मैं भी वही बात पूछना चाहती हूँ, केंद्र सरकार मांग रही है 13,000 करोड़ का, कि जो एमसीडी का पैसा है वो कहाँ गया? आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली सरकार से। जी। अब दिल्ली सरकार मांग रही है 250 करोड़ का, कि घोटाला ये क्या है? आम जनता जानना चाहती है ये घोटाले हैं क्या, 2500 करोड़ का घोटाला, 13,000 करोड़ का घोटाला, आखिरकार ये घोटाला है क्या, इसमें आम जनता को मिला क्या? आम जनता आज भी परेशानियों से जूझ रही है, जिनके पास राशन नहीं है, खाना नहीं है, सब कुछ नहीं है, पर यहाँ पर घोटालों की करोड़ों की बात की जा रही है। ये घोटाला हो कैसे रहा है, ये पैसा आया कहाँ से और ये जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है इन पैसों का? आज भी एमसीडी के उन लोगों के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरीज नहीं मिली है, तो उन बेचारों की इसमें क्या है, वो क्यों पिस रहे हैं? सबसे पहले सवाल ही उठता है, क्योंकि वो भी आम जनता है, आम जनता सवाल कर रही है अपनी दोनों सरकार से। NBC न्यूज के लिए दिल्ली से बृजेश कुमार की रिपोर्ट।